वेलकम बैक वंस अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चैप्टर टू एनिमल्स एंड देयर सेफ्टी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन फेवर ऑफ़ एनिमल्स तो यहाँ पे आप चार पिक्चर्स देख रहे हैं ये एक सर्कस का सीन है और ये एक जंगल का सीन है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बर्ड को केज में रखा गया है बट इफ़ यू आर नोटिसिंग पिक्चर वन तो पिक्चर वन में आपको दिख रहा होगा कि ही इज़ फीडिंग द काउज राइट सो ऑप्शन वन इज़ करेक्ट हमें एनिमल्स को खिलाना चाहिए उनकी देखभाल करनी चाहिए ठीक है सो ऑप्शन वन इज़ आपसे ल्यूटली करेक्ट ऐसा ही व्यवहार हमें एनिमल्स के साथ में करना चाहिए ना स्टेप टू वी ऑफ़न यूज़ एनिमल्स टू कैरी आउट लोड्स एंड फॉर ट्रांसपोर्ट परपज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग वेज इज़ आर करेक्ट ठीक है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा तरीका सही है सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हमें केवल ट्रेन्ड एनिमल्स को इस्तेमाल करना चाहिए दूसरा ऑप्शन ये है कि जो स्वस्थ हो एनिमल उनका इस्तेमाल करना चाहिए तीसरा ऑप्शन ये है कि हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनको ओवरलोड नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ यू नो जितनी उनकी स्ट्रेंथ हो बस उतनी ही क्षमता का सामान उनके ऊपर रखना चाहिए तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव ठीक है नाउ स्टेम थ्री वॉट एवरी ईयर

तो हमें किस तरह का प्रोटेक्ट लेना चाहिए सबसे पहले अवेयरनेस जो है हमें स्प्रेड करना चाहिए कि हमें एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए उनके टूवर्ड्स हमें काइंड रहना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फूड एंड and... मम्मी मैथ्स के अलावा सो आवर हेल्दी एनिमल कैन बी सॉरी आई वॉज़ टॉकिंग अबाउट की एक अवेयरनेस होना चाहिए ठीक है एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें एनिमल की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके टूवर्ड्स काइंड होना चाहिए सेकेंड थिंग उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए ठीक है जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं मतलब जो ऐसे ही घूमते रहते हैं जो सड़क पे रहते हैं ठीक है ना स्ट्रिक्ट लॉ इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए अगेंस्ट क्रुवेलिटी कुछ लोग एनिमल्स के लिए बहुत क्रूएल होते हैं वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं तो उन लोगों के अगेंस्ट अच्छा सा एक्शन लेना चाहिए तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट स्टेम फोर विच ऑफ द गिवे स्नैक्स आर पॉइजनस इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्नक बहुत पॉइजनस है तो एक तो हो गया आपका इंडियन कोबरा जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है और दूसरा हो गया आपका ये पिट वाइपर ये जो कोबरा है और जो ये वाइपर स्नैक है इनको बहुत ही ज्यादा पॉइजनस माना जाता है ठीक है ना स्टेप नंबर स्टेम फाइव इज आफ्टर लुकिंग एट द स्नैक ऑफ स्नैक चामा विभू आश्क हिज फादर वाई इज़ द स्नैक नॉट बाइटिंग एनी वन ठीक है उसने एक स्नैक चामा के पास जो स्नैक देखा उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये जो स्नैक चामा के पास स्नैक है ये तो सबके गले में चला जा रहा है और ये किसी को काटता क्यों नहीं है तो उसके पापा ने आंसर दिया बिकॉज इट हैज़ नो फंस क्योंकि इसके पास फंक्स नहीं होते हैं इस वजह से ये किसी को काटता नहीं है ठीक है ना स्टेप नंबर सिक्स इज श्रुति रोड द फॉलोइंग लाइन्स अबाउट द स्नैक्स उसने स्नेक्स के लिए कुछ बातें लिखी ऑल पॉइजनस स्नेक्स आर ब्राइट इन कलर सभी ब्राइट कलर में होते हैं काइंड ऑफ स्नैक नोन एज कोबरा इज द मोस्ट पॉइजनस ठीक है एक तरह का जो सांप होता है जिसको हम कोबरा कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है ऑल पॉइजनस स्नैक्स है जितने भी पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनके पास पिट्स होते हैं ऑल पॉइजनस स्नैक्स है फंक्स और जितने पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं फंक्स uh, होते हैं तो सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑफ अब ये तो सारे ऑप्शन तो सही हैं ठीक है स्नेक के लिए लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है तो गलत तो इसमें नन ऑफ द गिवन लाइन्स है सारे लाइन्स सही हैं गलत कुछ भी नहीं है ठीक है नाउ स्टेम सेवन इज विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑफ विंड ब्लोन टाइप कौन सी ऐसी हैं जो हवा उसके अंदर फूकते हैं तो चलती है ठीक है या बजती है तो इसमें है आपका पी क्यू आर एस मतलब पी क्यू आर ठीक है एस जो है नहीं है एस आपको अपने फिंगर से बजाने पड़ते हैं ठीक है ठीके? और जबकि पी यानी कि फ्लूट को बीन को इन सब में आप जब फ्लूट एयर ब्लो करते हो तब वो चलती है ठीक है नेक्स्ट स्टेम एट द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द स्नैक चार्मर इन द गिवन फिगर इज मेड ऑफ तो जो इंस्ट्रूमेंट इसमें जो ये बीन बजा रहे हैं ये किसका बना होता है ये ड्राइड बॉटल ड्राइड बॉटल गॉर्ड का बना होता है और बैम्बू पाइप का बना होता है ठीक है नेक्स्ट स्टेप नाइन स्टेप नाइन इज While going to school, Riddhima asks her elder brother after seeing a snake charmer on the road, Why do a snake dance on snake charmer's music made by bean? उसने अपने भाई से पूछा कि जब ये बीन बजाते हैं तो स्नेक नाचने क्यों लगते हैं द स्नेक्स गेट टेरिफाइड विद द साउंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड डांस इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो वो डांस क्यों करते हैं सेल्फ डिफेंस में करते हैं ठीक है क्योंकि वो डर जाते हैं बीन से उसकी आवाज़ से नाउ स्टेम टेन एलेक्स goes इन bushes while सर्चिंग हिज बॉल सडनली a snake bites ऑन हिज फुट वॉट फर्स्ट एड मेजर शुड ही टेक बिफोर रीचिंग होम ठीक है वो बुशेज में गया झाड़ियों में अपनी बाल को बॉल को लेने और उसको उसने सांप ने काट लिया फिर क्या करना चाहिए उसको तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है ही शुड वॉश द वड विथ सोप एंड वाटर नहीं गलत है इसके बाद ही शुड इमिडिएटली रन टूअर्ड्स हिज होम ये भी रॉन्ग है क्योंकि वो तो पॉइजनस होते हैं जहर बॉडी में फैल जाएगा ही शुड ले डाउन ऑन द ग्राउंड फॉर एन आवर एटलीस्ट नहीं ये भी गलत है सही क्या है ही शुड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ फुट एंड टाई अन्ड का चीफ सबसे पहले तो हैंकी निकालनी चाहिए और उस एरिया को अच्छे से बांध देना चाहिए जहाँ पर उसने काटा हुआ है जिससे कि उसका ब्लड बॉडी में ना फैले ओके ना स्टेम एलेवेन स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट हेल्प टू टू एन इंजोर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर येस दिस इज एब्सिल्यूटली करेक्ट ठीक है ये सही है नेक्स्ट वी शुड ऑलवेज की फर्स्ट एड किट हैंडी विदर्स येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट वी शुड ले डाउन और सिट डाउन काम इफ वी आर बिटन बाई एनिमल येस शांति से बैठ जाना चाहिए बहुत कूद फान नहीं मचाना चाहिए ठीक है वी शुड रन इमीडिएटली टू डॉक्टर इफ़ वी आर फीलिंग इंजर्ड और अनईजी नहीं तुरंत भाग के तो नहीं जाना चाहिए पहले पेरेंट्स को बताना चाहिए और जो भी उसके लिए फर्स्ट एड है फर्स्ट एड किट लेना चाहिए उसके बाद नास्ट स्टेम ट्वेल्व पुट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड गिवेन फॉर द स्नैक बाइट इन द करेक्ट सीक्वेंस तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले तो जहाँ उसने काटा है वहाँ पर हम पट्टी बांधेंगे पट्टी बांधने के बाद में इस तरह से पट्टी बंध जाएगी और जब पट्टी बंध जाएगी फिर उसको हम ये प्रॉपर इस तरह से बांध के वापस से यहाँ पे एक रॉड लगा करके इसके ऊपर एक और पट्टी बांधेंगे ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होप दिस वीडियो विल हेल्प यू